Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सेल एंड बैटरी। यह टॉपिक UPPCL-JE के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल एंड बैटरी के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, फैराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ दिए हैं, जिसमें सबसे पहले फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फिर उसके बाद हम देखेंगे फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के स्टेटमेंट को आप रीड करिए। ये कहता है, द मास ऑफ आयन डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जब हम किसी सेल या बैटरी में कोई एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करके उसमें यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोड पर कुछ आयंस या तो डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोड पर के कुछ आयंस लिबरेट हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड पर से उसकी लेयर हट जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कहता है कि डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आयंस के जो मास होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चार्ज का। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू होता है आई इंटू टी, यानी कि कितनी देर तक कोई पर्टिकुलर करंट उस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो कर रहा है वो कहलाएगा चार्ज। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन और मास ऑफ लिबरेटेड आयन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इसको हम और भी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दिस इज कंटेनर और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने H2SO4 को लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जब H2SO4 टूटेगा तब हमें मिलेगा 2H+ प्लस SO4 2-। ओके, यानी कि एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन होगा हाइड्रोजन प्लस और नेगेटिव होगा SO4 2-। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो H+ है दिस इज पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये है नेगेटिव आयन क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले चुका है। सो दिस इज नेगेटिव आयन। नाउ हम ये मानते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में एक के पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया है इसको चार्ज करने के लिए। तो इसका एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही H2SO4 का सॉल्यूशन इसमें टूटेगा तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि SO4 2- को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि SO4 2- के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रोड के पास जाने से ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि SO4 2- का हर एक आयन ये ट्रांसफर करेगा दो इलेक्ट्रॉन। और जब हम चार्ज की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि 2 × 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि इतना चार्ज SO4 2- के एक आयन के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव आयन से लिबरेट हुए होंगे, और यह तभी पॉसिबल है जब
उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए होंगे। कहने का मतलब कि उतना ही ज्यादा नेगेटिव आयन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ होगा और उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा ये आयन्स इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे उतना ज्यादा उसका मास बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यही स्टेटमेंट था फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करें तो हम लिखेंगे मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू वन कांस्टेंट जेड इनटू क्यू। यहाँ पर जेड इज ए कांस्टेंट और जेड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि यदि हम लिखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड इज इक्वल टू मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू, और हम जेड को मेजर करते हैं इन मिलीग्राम पर कूलम में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेड को हम किस में मेजर करते हैं, तो आप कहोगे मिलीग्राम पर कूलम में। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेड की वैल्यू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट हो सकता है। इसको हम फैराडेज के सेकेंड लॉ में देखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ देख लेते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ करेंगे जहां पे हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्यू की वैल्यू को सेम रखेंगे और हम देखेंगे कि मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि एम में क्या चेंजेज होंगे यदि हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लें तो। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के लिए पहला सॉल्यूशन हम लेते हैं NaCl और दूसरा लेंगे CuSO4। ओके, दो डिफरेंट सॉल्यूशन हम लेते हैं और फिर देखेंगे कि M पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, नाउ यहां देखिए पहले कंटेनर में हमने लिया NaCl और दूसरे कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने लिया CuSO4। तो एज वी नो कि NaCl जब टूटेगा तो ये बनाएगा Na+ और Cl-, जबकि CuSO4 जब टूटेगा तो ये बनाएगा Cu2+ और SO4 2-. ओके, नाउ सपोज दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। तो सॉल्यूशन का पॉजिटिव आयन यानी कि Na+ ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि Cl- ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली CuSO4 के सॉल्यूशन का Cu2+ यानी कि ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, नाउ हम एज्यूम करते हैं कि इस नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज है वो है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सिमिलरली दूसरे सॉल्यूशन के इस नेगेटिव प्लेट में भी जो चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। मेरे कहने का मतलब कि यह नेगेटिव प्लेट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को और यह नेगेटिव प्लेट भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। ये सारी चीजें हमने एज्यूम किया है। तो अब देखिए कि इस पॉजिटिव आयन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि जब ये Na+ इस नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ेगा तो यह सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, जबकि दूसरे सॉल्यूशन का ये पॉजिटिव आयन Cu2+ इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कहने का मतलब कि जब ये Cu2+ इस नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच होगा तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर से आप यहाँ आइए कि इस नेगेटिव प्लेट के 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए सोडियम के 2 आयन की जरूरत होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह
नेगेटिव प्लेट सोडियम के दो आयन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इलेक्ट्रोड विल अट्रैक्ट टू आयन्स ऑफ Na+, ओके। जबकि इस सॉल्यूशन के इस इलेक्ट्रोड के बारे में हम लिखेंगे कि दिस इलेक्ट्रोड विल अट्रैक्ट वन आयन ऑफ Cu2+। नाउ अब आप इन दोनों केसेस को कंक्लूड करिए कि हमने इन दोनों ही सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, यानी कि जो चार्ज था दोनों ही केस में हमने सेम दिया, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, का मतलब कि 2 × 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। और यही सेम चार्ज हमने दूसरे सॉल्यूशन में भी दिया, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से दोनों ही केस में इंटरनल प्रोसेस डिफरेंट हुआ। पहले केस में सोडियम के दो आयन डिपॉजिट हुए, जबकि दूसरे केस में कॉपर के सिर्फ एक ही आयन डिपॉजिट हुए। तो आप यहां से बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है जबकि कॉपर की वैलेंसी 2 है, इसलिए जब इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम था तो यह एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयन्स की संख्या बढ़ गई। जबकि दूसरे सॉल्यूशन में कॉपर के होने की वजह से इसका एक ही आयन दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इसमें नंबर ऑफ आयन्स कम डिपॉजिट हुए। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी एटम्स या हाउ मेनी आयन्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वैलेंसी। यदि इसकी वैलेंसी कम होगी तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स डिपॉजिट होंगे, ओके। जैसा कि केस वन में था और केस टू में था, चूंकि इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो ये कम नंबर ऑफ आयन्स इस पे डिपॉजिट हुए हैं। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसके हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो आप फाइनली पॉइंट वन नोट करिएगा कि हाउ मेनी एटम्स या आयन्स डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इट डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी, ओके। जैसा कि हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि यदि वैलेंसी कम हो तो नंबर ऑफ एटम्स डिपॉजिटेड विल बी मोर, और जब ज्यादा एटम डिपॉजिट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मास डिपॉजिटेड विल बी मोर, ओके। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पे आप ये लिखेंगे कि मास डिपॉजिटेड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी, ओके। बढ़ते हैं हम अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी सेम रखें और वैलेंसी को भी सेम रखें तो मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन पे क्या फर्क पड़ेगा यदि हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करेंगे। तो यहां देखिए, अभी हमने सोडियम आयन को कंसिडर किया था। सोडियम आयन नेगेटिव प्लेट पे डिपॉजिट हुआ था क्योंकि हमने सॉल्यूशन लिया था NaCl का, ओके। यदि हम NaCl की जगह सॉल्यूशन के रूप में KCl लें, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को लें, तो नेगेटिव प्लेट पे डिपॉजिट होने वाला आयन होगा K+, ओके। एज वी नो, सोडियम और पोटेशियम दोनों की वैलेंसी सेम है और वो वैलेंसी है 1, यानी कि Na+ आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और K+ आयन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमें सेम रखना है और वैलेंसी भी सेम रखना है। तो इस केस में जब नेगेटिव प्लेट पे पोटेशियम आयन डिपॉजिट होगा तो जाहिर सी बात है कि डिपॉजिटेड आयन का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज मोर देन एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक आयन के डिपॉजिट होने पे जितना मास डिपॉजिट होगा उससे ज्यादा मास होगा पोटेशियम के एक आयन के डिपॉजिट होने पे, ओके। तो यहां से कंक्लूजन ये आया कि यदि हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा लें कि इसकी वैलेंसी भी सेम हो, तो यदि आयन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो मास डिपॉजिटेड विल बी मोर, ओके। इसको अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करिएगा कि फॉर सेम नंबर ऑफ डिपॉजिटेड एटम्स एंड
सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मास ऑफ डिपॉजिटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक वेट ऑफ आयन, यानी कि यदि Q सेम हो और वैलेंसी भी सेम हो तो जिस आयन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वहां पर हम ये कहेंगे कि मास डिपॉजिटेड विल बी मोर। ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं कि मास डिपॉजिटेड M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। ओके, अब हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को यदि हम कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि मास डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। ओके, और एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट। केमिकल इक्विवेलेंट वेट को हम डिनोट करते हैं ई से। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम ये कहेंगे कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एटम और केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयन डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। ओके, यहां पर याद रखिएगा कि E क्या है, E इज केमिकल इक्विवेलेंट वेट और E इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अब हम फैराडेज के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के स्टेटमेंट को देखिए, मासेस ऑफ आयन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ओके, आई होप आपको फैराडेज के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को एक साथ कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यदि हम इस सेकेंड इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हम लिखेंगे M इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट यानी कि E। दिस होल टर्म Q डिवाइडेड बाय 96,500 इज अ कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड लॉ। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि M डिवाइडेड बाय Q विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500। ओके, इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि M डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू Z, और सेकेंड इक्वेशन से M डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500। ओके, दिस इज कंक्लूजन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, इसे आप याद रखिएगा। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि वैल्यू ऑफ जेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसका रीजन जानने के लिए आप फर्स्ट लॉ को देखिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग M इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, यानी कि जेड इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई क्यू। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फॉर सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मास डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट, और ये डिपेंड करता है एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी पर। ओके, तो यदि हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें फिर भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिपॉजिटेड मास की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल एंड बैटरी। ओके, तो अब हेडिंग देंगे सेल एंड बैटरी। इसके बारे में आप लिखिए, सेल या बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल कहने का मतलब है
इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सेल या बैटरी में किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आप कहेंगे कि सेल या बैटरी में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, या फिर हम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप लिखिए सेल, सेल के बारे में आप लिखेंगे कि इट इज वन यूनिट ऑफ बैटरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बैटरी, बैटरी के बारे में आप लिखेंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल। यानी कि जब हम बहुत सारे सेल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है बैटरी। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करिए कि किस तरह का इंटरकनेक्शन सेल्स के बीच में होगा। तो पहला है सीरीज कनेक्शन। यदि हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि यदि हमें किसी बैटरी के वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसके सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, सीरीज में कनेक्ट करने से वोल्टेज रेटिंग विल इंक्रीज। यदि हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो इससे बैटरी की करंट रेटिंग बढ़ जाती है, या फिर हम यू कहें यदि हमें करंट रेटिंग को बढ़ाना हो तो हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि बैटरी में जो चार्ज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी कि सेल में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चार्ज स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। तो यदि आपसे पूछे कि बैटरी की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, तो आप लिखेंगे एम्पीयर आर, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेटिंग ऑफ कैपेसिटी क्या होती है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेटिंग ऑफ बैटरी किस में लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कि एम्पीयर आर। फॉर एग्जाम्पल बैटरी ऑफ मोबाइल फोन, इसकी रेटिंग होती है MAH में, यानी कि मिली एम्पीयर आर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज डिटरमाइंड बाय वोल्टेज ऑफ इच सेल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट डिस्चार्ज रेट। नेक्स्ट इज डायमेंशन एंड नंबर ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट लिखिएगा डिजाइन ऑफ सेपरेटर एटसेट्रा। अब आप नोट करिए कि किन चीजों पर बैटरी की कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है, तो आप लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चार्ज। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ बैटरी, जबकि रेट ऑफ चार्ज पे कैपेसिटी ऑफ बैटरी डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें दो तरह के सेल होंगे, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल और दूसरा होगा सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल को देखेंगे। तो प्राइमरी सेल के बारे में आप नोट करिएगा कि आप प्राइमरी सेल सप्लाइज करंट अंटिल द इलेक्ट्रोलाइट इज एग्जॉस्टेड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कम्प्लीटली डिसॉल्व एंड द सेल हैज टू बी डिस्कार्डेड। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा कि इट इज नॉट रिचार्जेबल। यानी कि कहने का मतलब वो सेल जो कि रिचार्जेबल नहीं हो और जब उसका इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली खत्म हो जाए या फिर उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तब वो सेल डेड हो जाता है, उसे हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सेल कहलाएंगे प्राइमरी सेल, और इसका एग्जाम्पल है वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल, क्लार्क सेल एटसेट्रा। दूसरा टाइप आप नोट करिए सेकेंडरी सेल। इसके बारे में आप नोट करेंगे दिस सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग अ करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट दैट नॉर्मली फ्लोज फ्रॉम द सेल। यानी कि सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि
सेल के डेड होने पर एक्सटर्नल सोर्स से इसमें करंट फ्लो करवाकर इसके अंदर की केमिकल रिएक्शन को रीगेन किया जा सकता है। इसलिए सेकेंडरी सेल की लाइफ प्राइमरी सेल के कंपैरिजन ज्यादा होती है। तो अब देखिए इसके एग्जांपल क्या होंगे। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल में आप फर्स्ट एग्जांपल लिखिए लेड एसिड सेल, या फिर कहीं आपको लेड एसिड बैटरी लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। इसका दूसरा एग्जांपल लिखिए निकेल कैडमियम बैटरी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए निकेल आयरन बैटरी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा दूं कि कहीं आपको यदि सेल नजर आए या फिर कहीं बैटरी लिखा हुआ मिले तो दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना फर्क है कि वन यूनिट ऑफ बैटरी को सेल कहते हैं और यदि बहुत सारे सेल्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो वो बैटरी कहलाता है। तो हम बारी बारी से कुछ इम्पोर्टेंट बैटरी के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ अ बैटरी। तो यहाँ पर हम बैटरी के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे, तो मेरे साथ आप नोट करते जाइए। मेन कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव प्लेट, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। दूसरा कॉम्पोनेंट आप नोट करिएगा नेगेटिव प्लेट, या फिर हम इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट आप नोट करिएगा इलेक्ट्रोलाइट। चौथा कंपोनेंट आप लिखिएगा सेपरेटर, और पांचवा कंपोनेंट आप लिखिएगा कंटेनर। तो ये हैं पांच मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बैटरी। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम इन पांचों को ही नोट करेंगे। यहाँ पर सेपरेटर के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। सेपरेटर का काम होता है टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकली अपार्ट, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सेपरेट करके रखते हैं और इसे शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। तो आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, सेपरेटर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते तो हैं, बट इट परमिट्स फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। इन दोनों प्लेट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए कि पॉजिटिव प्लेट्स के रूप में हम मेटल ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल MnO2 या PbO। पॉजिटिव प्लेट के रूप में हम मेटल सल्फाइड भी यूज कर लेते हैं या फिर मेटल ऑक्सीहाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप NiOOH, PbOOH या फिर MnOOH। इन सब मेटल ऑक्सीहाइड्रोक्साइड को भी हम पॉजिटिव प्लेट के रूप में यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट के रूप में यदि आप मेटल के बारे में लिखना चाहो तो यहाँ पर हम लिथियम यूज कर लेते हैं, पीवी यूज कर सकते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं, कैडमियम यूज कर सकते हैं और सोडियम यूज कर सकते हैं। इन सारे मेटल को हम नेगेटिव प्लेट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कुछ इस तरह का ऑप्शंस दे दे और पूछे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा यूज होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव प्लेट के रूप में कौन सा यूज होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो इस क्लास में हमने बैटरी के बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेड एसिड बैटरी पढ़ाऊंगा। पहले मैं इसके थ्योरी को कवर करवाऊंगा और उसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ओके?